हमने सीख लिया कैनवा क्या होता है और कैसे काम करता है। आज हम चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि हम करेंगे फेसबुक। आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, आप लोग उधर डिफरेंट किस्म की पोस्ट देते हो जो बड़ी अच्छी अच्छी डिजाइन हुई होती है। सो इन पोस्ट को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम जाएंगे कैनवा पर। इधर आपको दिख रहा है सर्च का ऑप्शन, सर्च पे आप लोग लिखोगे फेसबुक पोस्ट और इधर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट ए न्यू पोस्ट। सो यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन मिल रहा है टेम्पलेट सा, यहाँ तो आप कोई टेम्पलेट उठा सकते हो और ऊपर आपको इधर कलर का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और डिटेल में इसको देखते हैं। कैनवा के होम पेज पर हम आ चुके हैं। इधर हम फेसबुक पोस्ट लिख लेंगे। फेसबुक पोस्ट हमने लिख लिया है। इधर देखें अब बहुत सारे डिजाइन जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री डिजाइन भी हैं। जिनके पास कैनवा प्रो है वो फेसबुक का पेड वर्जन यूज कर सकते हैं। डिजाइन जो पेड होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो आप सिंपली जो फ्री डिजाइन हैं वो यूज कर लेंगे। अब फॉर सपोज आपने कोई भी डिजाइन बनाना है फर्नीचर से रिलेटेड। अच्छा, सबसे अहम और खास बात जो कैनवा की है वो ये है कि इधर रेडीमेड डिजाइन जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत, ऑलरेडी उस पर बहुत सारी मेहनत हुई हुई होती है, वो हमें मिल रहे होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें जो है चेंजिंग्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपने सिंपली जो है वो टेक्स्ट चेंज करना होता है अपने हिसाब से, या आपका जो क्लाइंट है उसने जो आपको टेक्स्ट दिया है उस हिसाब से आप टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। आपको इमेज चेंज करनी है, इमेज चेंज कर लेंगे। फॉर सपोज यहाँ पर लोगो लगाना है, आप लोगो लगा लेंगे। थोड़ी सी मैं चेंजिंग्स करके बताता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, वरना ज़्यादातर जो चेंजिंग्स होती हैं वो आप अपने हिसाब से करते हैं। जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाएंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और बेहतर से बेहतर आप डिज़ाइंस बना सकते हैं इसके लिए। अच्छा, फॉर सपोज ये लोगो है, रेहान ट्रेनिंग का ये लोगो है और ये हम लेकर आ गए हैं। यहाँ पर हम ये वाला टेक्स्ट हटा देंगे। इधर अगर हमें लोगो लगाना है, आप कोई भी अपना क्लाइंट का या आपका अपना कोई लोगो है फिर सपोज, तो आप ये यहाँ पर लगा देंगे। फिर ये हमने लगा दिया यहाँ पर सेंटर में। कोई भी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये देखें हमने टेक्स्ट लिख लिया है। इसके टेक्स्ट का अगर आपको कलर चेंज करना है, आप इधर से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने भी आपको पहले भी बताया कि ये जो डिज़ाइन होता है और ये कलर्स होते हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोच समझ के और कंट्रास्ट के साथ बनाए गए होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स करने की इसमें ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ऐसे ही आप इमेज चेंज कर सकते हैं, कोई भी इमेज आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं इसमें। फॉर सपोज एक मेरे पास ये इमेज रखी हुई है, मैंने ये लगा दिया। कोई भी ये मेरे पास ऐसे ही रखी हुई है इस वजह से मैं लगा रहा हूँ। इसके अलावा आप कोई भी इमेज जो है इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली आप ड्रैग करेंगे, जब आपको लगेगा कि ये इसके अंदर आ चुका है, जो इसका टेम्पलेट है इमेज का, उसके अंदर आपने इसको लेकर चले जाना है और ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये इमेज चेंज हो गई है। कोई भी ये फर्नीचर से जैसे रिलेटेड है, आप फर्नीचर के हिसाब से कोई भी चीज़ लगा लेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत सारा अपना हिसाब से मटेरियल इसमें आप लगा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपको थोड़ा सा दाएं या बाएं आप करना चाहते हैं तो आप सिंपली डबल क्लिक कर इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। इसमें मज़ीद चीज़ें आप करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो आपके स्किल्स इनहेंस होंगे इसमें। तो देखा आपने कितना आसान था फेसबुक पोस्ट बनाना। तो चलते हैं अगले अपने प्रैक्टिकल की तरफ।